हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी जो भी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पर मिल सके। जो भी अपडेट मिलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है जो कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी भी प्रोवाइड की है। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यहाँ मेंशन किया गया है कि केमिस्ट्री का सवाल लिखी हनुमान चालीसा, यानी यहाँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो भी कॉपी चेकिंग को लेकर। क्योंकि कई सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बच्चों ने कई सारी शिकायतें की। तो जब कॉपी को रीचेक किया गया या कॉपी को चेक किया गया, तो उसमें पाया गया कि बच्चे कई सारी कमियां निकाल रहे हैं, यानी गलतियां कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चे की जो कॉपी है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसने क्या किया है, पूरी कॉपी में ही हनुमान चालीसा ही लिख दिया है। तो लिखी क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सीएसजेएमयू में रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र में सवाल था कि व्हाई हीलियम नियॉन गैस लेजर इज फेवरेबल देन द रूबी लेजर, यानी ये क्वेश्चन था। बच्चे ने क्या किया, यानी स्टूडेंट ने क्या किया, उसमें उत्तर में लिखा है कि हीलियम नियॉन गैस लेजर इज फेवरेबल टू द रूबी लेजर बिकॉज अष्टनिधि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता। यानी क्या अजीब आंसर लिखते हैं, रिलेटेड भी कोई नहीं है। कहाँ क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और कहाँ ये लिख के आ गए हैं हनुमान चालीसा, यानी कोई मेल जोल नहीं है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अच्छे नंबर नहीं दिया। अब इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है? अब अगर आपने कुछ उससे रिलेटेड ही कुछ लिख दिया होता तो एक बार सोचा जा सकता है। अब ये हनुमान चालीसा और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या तालमेल, कुछ भी नहीं मतलब है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, ये सारी चीजें लिख के आ जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान की परीक्षा में आए एक सवाल के उत्तर में छात्र ने हनुमान चालीसा लिख दी है। इस कॉपी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वविद्यालय के परिणाम में ढेरों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि विश्वविद्यालय की कॉपियों में या रिजल्ट जो निकाला जा रहा है, जो अपडेट मिल रही है रिजल्ट को लेकर, जिन भी कोर्सेज का रिजल्ट अपडेट हो रहा है उनमें बहुत सारी कमियां निकल के आ रही हैं। कहीं प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा कमियां हैं, तो कहीं मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा कमियां निकल के आ रही हैं। तो ये बात सच है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस बार रिजल्ट को लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से। फिर उसके बाद मेंशन किया गया है कि छात्रों ने नंबरों के कम आने, उपस्थित होने के बावजूद अनुपस्थित होने, मार्कशीट में अंक ना चढ़ने की शिकायतें की हैं। इन्हीं शिकायतों के बीच बीएससी के छात्र की कॉपी वायरल हो रही है। इस कॉपी में एक प्रश्न के उत्तर में छात्र ने लिखा, हीलियम नियॉन गैस लेजर इज फेवरेबल टू द रूबी लेजर बिकॉज अष्टनिधि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता। वही है कि मतलब कोई समझ ही नहीं है, कुछ भी लिख के चले आओ, मनगढ़ंत कहानी लिख के चले आओ, कुछ भी ना आए तो। इसके अलावा उसने अंग्रेजी में पूरी हनुमान चालीसा भी लिख दी है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि छात्र जब ऐसा करेंगे तो उनको पूरे अंक कहाँ से मिलेंगे। विश्वविद्यालय के सूत्रों का कहना है कि यह तो कॉपी का नमूना है, कई प्रश्नों के उत्तर में छात्र मनगढ़ंत कहानियां लिख देते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा है कि जिन छात्रों ने कम अंक आने की शिकायत की है, वे गूगल फॉर्म भर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, ये आपका मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि जिन भी लोगों का रिजल्ट आ चुका है या जिन लोगों का रिजल्ट आने वाला है, जब भी रिजल्ट अपडेट हो, अगर आपको रिजल्ट से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल फॉर्म फिल करके अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा काम ना करें कि क्वेश्चन कुछ और है और उसमें आप हनुमान चालीसा लिख के चले आए, ऐसे में कुछ भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी कमियां, ऐसी गलतियां ना करें। रही बात आपके रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आज संडे है, मंडे ट्यूसडे तक आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। 31 से पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि 31 क्या है, लास्ट डेट है एडमिशन की। तो उससे पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। आगे जो भी अपडेट मिलती है मैं आपको तुरंत और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहूंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।